स्टार्ट होती है। दिखाते हैं कि टोनी स्टार्क को सैनिकों के साथ अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जा रहे होते हैं। तभी कुछ दुश्मन उन पर अटैक कर देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाकर भागते हैं और तभी एक मिसाइल आकर उनके पास गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और कुछ आतंकवादी उनका किडनैप कर देते हैं। चलिए जानते हैं टोनी स्टार्क के बारे में, उनकी बैकवर्ड स्टोरी में चलते हैं। टोनी स्टार्क एक बहुत ही ज्यादा जीनियस और होशियार हथियार बनाने वाले हॉवर्ड स्टार्क के बेटे है। वो बहुत ही अमीर और स्मार्ट है और उन्होंने बचपन से ही इन सब में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। पिता की मौत के बाद टोनी स्टार्क ने अपने हॉवर्ड स्टार्क के साथ काफी नए एक्सपेरिमेंट किए और नए नए हथियार भी बनाए और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिलता है। अगले ही दिन वो अपने दोस्त राउडी के साथ अफगानिस्तान अपने नए हथियार देखने के लिए जाते हैं, जिसमें वो अपने द्वारा बनाए गए मिसाइल दिखाते हैं। वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक होती है जो कि सब फौजियों को बहुत पसंद आती है। वो उन्हें दिखाकर वापस जा रहा होता है, तभी आ जाते हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ वो मिसाइल दिखाकर आ रहे होते हैं और उन पर अटैक होता है। जब टोनी स्टार्क को होश आता है वो देखते हैं कि उसके हार्ट को एक कार के बैटरी की मदद से जिंदा रखा हुआ था। ये सब येंसिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, वो भी टोनी स्टार्क की तरह वहाँ किडनैप हुआ था। वहाँ कुछ आतंकवादी आते हैं, वह उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को एक खतरनाक मिसाइल रेडी करनी है, अगर नहीं करी तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। टोनी स्टार्क देखता है कि वहाँ पर उसी के द्वारा बनाए गए बहुत सारी मिसाइल है और वो लोग मिसाइल बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो येंसेन से कहता है कि अगर हमने मिसाइल बनाई फिर भी हम मारे जाएंगे और अगर नहीं बनाई तभी भी हम मारे जाएंगे। तभी टोनी स्टार्क के माइंड में आइडिया आता है। वो सबसे पहले उस बैटरी को अपनी बॉडी से अलग करता है और अपने लिए एक पावरफुल आयरन सूट बनाने लगता है, जिस पर उन आतंकवादियों को शक होने लगता है। वो उसके साथी येंसेन को मारने लगते हैं। टोनी स्टार्क कहता है कि इसके बिना मिसाइल नहीं बनेगी। आतंकी कहते हैं कि यदि तुमने कल तक मिसाइल नहीं बनाई तो हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। वो लोग तेजी से उस काम में लग जाते हैं और एक पावरफुल सूट तैयार कर लेते हैं। तभी यह सब उन आतंकवादियों को पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह लोग उन्हें मारने आ रहे होते हैं, जिसमें येंसेन की जान चली जाती है। टोनी स्टार्क उनसे लड़ते लड़ते वहाँ से भाग जाता है और उसके सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे जाके उसके फौजी दोस्त उसे वापस ले जाते हैं। टोनी स्टार्क वापस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें जाकर वो कहता है कि मैंने अपने ही जवानों को अपने ही हथियारों से मरता हुआ देखा है, जिस कारण वो अब से हथियार नहीं बनाएगा और वो ये सब बंद कर रहा है। उसके फादर का दोस्त भी शॉक्ड हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये हमारा काम है, कितनी मेहनत से हमने ये सब किया है। पर टोनी स्टार्क कहता है कि अब बस मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए कुछ और करूँगा, इस देश की शांति और अमन के लिए कुछ करूँगा। ओवरडियस कहता है कि एक काम करो, ये कंपनी तुम मुझे सौंप दो कुछ दिन के लिए और तुम बस चुपचाप घर जाकर रहो। वो अपने घर जाकर सबसे पहले अपने हार्ट में लगे उस डिवाइस को अपने असिस्टेंट से चेंज करने को कहता और उस पुराने डिवाइस को फेंकने के लिए कहता है। वो उस पुराने डिवाइस को लेकर चली जाती है और टोनी स्टार्क को वो गिफ्ट कर उसे वापस कर देती है। टोनी स्टार्क अपने दोस्त राउडी के पास अपने प्लान को डिस्कस करने जाता है, पर वो कहता है कि अभी तुम करो, हम बाद में देखेंगे, तुम पहले बहुत तमाशा बना चुके हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो घर जाकर अपने नए प्रोजेक्ट मार्क टू में लग जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अभी नीचे काम कर रहा हूँ, किसी को आने मत देना। वो फिर अपने लिए आयरन मैन की बॉडी तैयार करने लग जाता है और उधर दूसरी तरफ वो आतंकवादी जो टोनी स्टार्क ने टेम्पररी सूट बनाया था उसके टुकड़े इकट्ठे कर उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। टोनी स्टार्क भी पूरी मेहनत के साथ उस सूट को दोबारा बनाता है। वो बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट भी करता है, उसे काफी चोटें भी लगती है। सूट रेडी होने पर वो बाहर जाता है और हवा में उड़ता है, पर सूट इनकम्प्लीट होने के कारण वो नीचे आकर गिरता है। आगे देखते है कि वो एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता का दोस्त दो नंबर में उन
हथियारों का बिजनेस करता है। वो शॉक्ड होता है, वो मना करता है, पर ओबडिया स्टार्क कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए किया है मैंने, तुम्हें बचाने के लिए। टोनी स्टार्क को गुस्सा आता है, घर चला जाता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि वो आतंकवादी बेगुनाह लोगों को मार रहे होते हैं। टोनी स्टार्क अपने सूट को और बेहतर बनाने में लग जाता है और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ा देता है और उन आतंकवादियों के इलाके में हमला कर देता है। वहाँ पर आके सभी हथियारों को ब्लास्ट कर देता है। वो वापस जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त की टीम एयरफोर्स वाले उसे कोई आतंकवादी का जहाज समझकर उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने दोस्त को बताता है कि उस जहाज में वो खुद ही है, तो उसका दोस्त उस पर हो रहे हमले को रुकवाने से मना करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम इससे खुद बचो। टोनी स्टार किसी तरह वहाँ से सफलतापूर्वक निकल जाता है और उसे अपने ओबडिया स्टार्क पर शक होने लगता है और वो अपने असिस्टेंट को अपने ऑफिस में जाकर सभी फाइल्स कॉपी करने को कहता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट को पता चलता है कि उन आतंकवादियों के साथ ओबडिया स्टार्क भी मिला हुआ है। वो पेन ड्राइव में सभी सबूत लेकर जा रही होती है। ओबडिया स्टार्क को पता चल जाता है कि वो सभी सबूत लेकर जा रही है। वो जाकर टोनी स्टार्क को एक इंजेक्शन लगा देता है और वो उसके हार्ट में लगा वो डिवाइस भी ले जाता है, क्योंकि वो भी टोनी स्टार्क द्वारा बनाए गए आयरन मैन सूट के टुकड़ों को जोड़ लेता है और उसे चलाने के लिए उसे उस हार्ट की जरूरत होती है और वो उसे निकाल कर टोनी स्टार्क को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। टोनी स्टार्क जो हार्ट डिवाइस उसके असिस्टेंट गिफ्ट करती है उसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाता है और आयरन मैन बन ओबडिया स्टार्क को मारने निकल जाता है और उन दोनों की काफी फाइट के बाद आयरन मैन उसे खत्म कर देता है। एंड में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो ही आयरन मैन है। यही पर मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।